साल 1971, भुज में हुए भारत पाकिस्तान के महायुद्ध में 8 दिसंबर को पाकिस्तान ने 14 से ज़्यादा नापाम बॉम्ब भारत में गिराए, जिससे इंडियन एयरफोर्स के एयर स्ट्रिप्स तबाह हो गए। युद्ध के दौरान हर समय एयरबेस को चालू रखना बेहद ज़रूरी होता है। बॉर्डर से आने वाले घायल सैनिकों को यहीं उतारा जाता था और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स को वॉर जोन में भेजा जाता था। जब पाकिस्तानी एयरफोर्स को ये बात पता चली, तब उन्होंने भुज एयरबेस पर बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने 3 दिसंबर से लगातार बॉम्बिंग करी और 8 दिसंबर को 14 से भी ज़्यादा नापाम बॉम्ब्स गिराकर भुज एयरबेस को पूरी तरह तबाह कर दिया। भुज एयरबेस बेकार हो चुका था और युद्ध के दौरान वो एक बड़ा झटका था। उस वक्त वहाँ की मरम्मत करने वाला कोई भी नहीं था। तब IAF स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक ने इस सिचुएशन को अपने हाथ में लिया। विंग कमांडर विजय कुमार कार्निक भारतीय वायु सेना के एक सीनियर ऑफिसर थे, जिनका जन्म 6 नवंबर 1939 में नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। विजय कुमार में देश प्रेम की भावना बचपन से ही थी, क्योंकि ये बचपन से ही अपने बड़े भाइयों को सेना की वर्दी में देखते आए थे। विजय कार्निक के 3 बड़े भाई थे, विनोद कार्निक, मेजर जनरल इन इंडियन आर्मी, लक्ष्मण कार्निक, विंग कमांडर इन इंडियन एयरफोर्स, और अजय कार्निक, एयर मार्शल इन इंडियन एयरफोर्स। इसके अलावा इनकी एक बहन भी है, जिसका नाम बसंती था। स्क्वाड्रन लीडर की रैंक मिलने पर विजय कार्निक को भुज एयरपोर्ट का बेस कमांडर अपॉइंट किया गया। विजय कार्निक ने सीनो इंडियन वॉर 1962, इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 और इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 में इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनकर लड़ाई की। लेकिन 1971 में भुज एयरबेस पर जो अटैक हुआ, उसने विजय जैसे मंझे हुए ऑफिसर को भी हिला दिया। अटैक के बाद विजय और उनके IAF के साथियों ने माधवपुर गांव की औरतों से मदद मांगी। उन्होंने उन सभी को बताया कि बॉम्बिंग की वजह से एयर स्ट्रिप जहां प्लेन्स लैंड होते हैं बर्बाद हो चुकी है। विजय ने उन सभी को इस काम का खतरा भी समझाया और पूछा कि कौन उनकी मदद करना चाहता है। उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि 300 से ज़्यादा औरतों ने उनका साथ दिया। पूछने पर उन बहादुर औरतों ने कहा, अगर मौत भी आई तो देश के लिए शान से शहीद होंगे। कार्निक के निर्देश पर उन्होंने रिकॉर्ड समय यानी 72 आवर्स में रनवे की मरम्मत की और भुज एयरबेस को फिर से खड़ा किया। इस ऐतिहासिक मोमेंट को द पर्ल हार्बर मोमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी ये महिलाएं डटी रहीं। इसके लिए ना सिर्फ स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक को श्रेय जाता है, बल्कि भुज की उन सारी महिलाओं को भी तालियों का सलाम, जिसकी बदौलत इतनी महत्वपूर्ण जगह को चालू रखा जा सका। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन महिलाओं की बहादुरी के बारे में सुना, तो वो युद्ध के बाद इनसे मिलने भुज पहुंची। युद्ध के बाद भुज एक इकलौती जगह थी जहां प्रधानमंत्री गई थी, और उन्होंने उन 300 औरतों को झांसी की रानी नाम दिया। इंदिरा गांधी ने कहा, पहले हमारे पास एक झांसी की रानी थी, अब हमारे पास 300 झांसी की रानियां हैं। उन औरतों ने वो टाइटल लेने से इज्जत पूर्वक मना कर दिया और कहा कि हमने जो किया अपने देश के लिए किया। कैप्टन विजय और उन 300 औरतों की बहादुरी की वजह से इंडिया अपना सबसे टफेस्ट वॉर जीता था। कैप्टन विजय कार्निक का नाम इंडियन एयरफोर्स की गोल्डन हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर रहेगा। कैप्टन विजय कार्निक और उनके साथ जुड़ी उन सभी औरतों को एनिमेटेड इंडियन की तरफ से सलाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एनिमेटेड इंडियन।